नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवीस गार्डन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट्स के बारे में कि इंडोर प्लांट्स के लिए किस तरीके का पोटिंग मिक्स हम तैयार करें। दोस्तों आप प्लास्टिक के पॉट के अंदर जो है प्लांट लगा देते हैं और उसको इंडोर रख देते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो आपका पौधा मर जाता है। उसके पीछे जो मेन कारण है दोस्तों वो ये है कि प्लास्टिक के अंदर जो है हवा क्रॉस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट मर जाता है। दूसरा, उसके अंदर पानी जो है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है पौधे में से, तो भी उस आपका प्लांट मर जाता है। तीसरा जो है, उसको अच्छे से हवा नहीं मिल पाती है मिट्टी को, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स जो हैं वो सड़ जाती हैं और प्लांट मर जाता है। मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में ये होता है दोस्तों, उसके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं गमले के अंदर, जिसके अंदर से जो है वो हवा क्रॉस होती रहती है और मिट्टी के अंदर हवा बनी रहती है, जिसकी वजह से प्लांट जिंदा रहते हैं, चलते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो पोटिंग मिक्स तैयार किया जाए जिससे प्लास्टिक के गमलों में आसानी से आपका प्लांट चले और इंडोर रखने के बाद भी वो मरे नहीं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों पोटिंग मिक्स तैयार करने के लिए मैंने ली है गार्डन की सोयल और गोबर की खाद, जिसको हम काउडंग कंपोस्ट बोलते हैं, कुछ एक ईंट के टूटे हुए टुकड़े जिसको मैंने बारीक तोड़ लिया है, और बुझा हुआ कोयला यानी कि कच्चा कोयला जिसको बोलते हैं हम, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला बचता है वो वाला, और DAP के कुछ एक दाने और फंजीसाइड पाउडर। सबसे पहले हम गोबर की खाद को इस कंटेनर के अंदर डालते हैं। दोस्तों जितने हिस्से मैं यहाँ पर खाद के लूँगा उतने ही हिस्से मैं बाद में इसके अंदर मिट्टी के ऐड करूँगा। आपको भी ऐसे ही करना है, दोनों को इक्वल पार्ट के अंदर मिलाना है। जितने हिस्से आप खाद के लो उतने ही हिस्से आपको जो है वो मिट्टी के ऐड करने हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी प्लास्टिक का पॉट लें उस प्लास्टिक के पॉट में अच्छे से आप पहले उसके अंदर होल कर लें, यानी कि होल की जो मात्रा है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक या दो होल से काम नहीं चलने वाला जब भी आप इंडोर रखेंगे। तो आप जब भी प्लास्टिक का पॉट लेकर के आएँ, कोई ऐसा पॉट लेकर के आएँ जिसके अंदर होल हो। अगर होल नहीं है तो आपको होल करने होंगे कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों इसमें एक भी होल नहीं था, मैंने एक गर्म कील की सहायता से इसके अंदर ये सारे होल किए हैं। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि होल कितने हैं, कम से कम 10 से 15 होल हैं ये। इनमें से आसानी से जो है पानी बाहर निकल जाएगा। अब पानी बाहर कैसे निकलेगा वो सारा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है वो मिट्टी इसके अंदर भरेंगे और मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। दोस्तों जो ये कोयला और मिट्टी के टुकड़े लिए हैं हमने, ईंट के जो टुकड़े लिए हैं, ये ईंट के टुकड़े आपके परलाइट का कार्य करेंगे। परलाइट जो व्हाइट कलर का आपको मिलता है दुकानों से, जिसको हम मिला देते हैं मिट्टी के अंदर ड्रेनेज को अच्छा करने के लिए, आपको वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं से उसका कार्य कर सकते हैं। दोस्तों जो कोयला है ये आपको फंगस से बचाएगा, जैसे कि मिट्टी के अंदर इसमें बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों के अंदर जो है जब हम इंडोर रखते हैं प्लांट को तो मिट्टी में फंगस लग जाती है, तो ये जो कोयला है उस फंगस से उस पौधे को बचाएगा, मिट्टी में फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर हम इसमें मिला देंगे तो दोस्तों। और जो ये ईंट के टुकड़े हैं, ये ईंट के टुकड़े जो हैं इसके अंदर ड्रेनेज का अच्छा सोर्स बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी पानी हम डालेंगे वो पानी पौधे के अंदर स्टोर नहीं होगा और पानी जो है सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, जिससे कि मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा रुकेगी नहीं और पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक, अगर हम गमले के अंदर 12 इंची गमले में इतने से टुकड़े हम मिला लेंगे, ज़्यादा तो हम नहीं मिलाएंगे नहीं तो मिट्टी में ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी इनकी, इतने से टुकड़ों से भी जो है वो अच्छा ड्रेनेज इनका बन जाएगा। और जो DAP है वो थोड़ी सी मात्रा में हम DAP के डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि DAP से इसके अंदर जब भी हम कोई प्लांट लगाएंगे तो उसके अंदर अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएंगे। DAP जो खाद होती है वो रूट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि रूट डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 दाने या फिर 2 चम्मच के आसपास इतनी मिट्टी के अंदर शुरुआत में ही इसमें मिला देंगे। दोस्तों ये देखिए, इसमें कोयला जो है इससे ज़्यादा नहीं मिलाना, आपने थोड़ा सा ही कोयला इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद हम इसके अंदर DAP डाल देते हैं। DAP के दानों से जो है बाद में आसानी से जो पौधे की रूट्स वो डेवलप हो जाएंगी। इतने से दाने आप इसके अंदर डाल दीजिए, बस काफ़ी हो जाएंगे ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर हम जो हमारा फंजीसाइड पाउडर है थोड़ा सा ये भी मिला देते हैं।
क्योंकि इससे जो है अननेसेसरी बैक्टीरिया जो भी होगी मिट्टी के अंदर वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम पहले से ही मिला लेते हैं। आप किसी भी कंपनी का कोई भी फंजीसाइड पाउडर लेकर के आइए, सब एक जैसे ही होते हैं। ये स्टारलेट का है, मैंने 120-130 रुपये के आसपास का ये पैकेट पड़ता है। इसके अंदर जो है वो 60-70 ग्राम के आसपास का ये पैकेट है। दोस्तों आप भी कोई भी फंजीसाइड पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद हमें इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो जो हमने चीज़ें ली हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि जो चीज़ें हमने ली हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएं, बिल्कुल मिल जाएं, कोई भी चीज़ अलग ना रहे और मिट्टी में जो है वो अच्छे से बाद में हवा गुजर सके। दोस्तों ये जो पत्थर के टुकड़े हमने मिलाए हैं, ईंट के टुकड़े, इनका मेन कारण यही है, एक तो इनमें से पानी जो है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, दूसरा जो है मिट्टी के अंदर हवा बनी रहे। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स में प्लास्टिक के अंदर पौधे मरने का कारण यही है कि प्लास्टिक के पॉट के अंदर हवा नहीं गुजर पाती है, जिससे पौधा मर जाता है। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, इस टुकड़ों के अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर जो है हवा रुक जाती है और बाद में फिर वो मिट्टी के अंदर से गुजर जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर हवा की मात्रा बनी रहती है और पौधा मरता नहीं। पौधे को जितनी हवा लेनी होती है, नाइट्रोजन वगैरह लेनी होती है, वो इससे ले लेता है दोस्तों, इसलिए हम इसको मिलाते हैं। और जो कोयला है उसके छोटे छोटे टुकड़े भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कूट करके भी इसको डाल देंगे तो भी ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही डाल दिया है, क्योंकि पानी के साथ धीरे धीरे ये जो है अपने आप बारीक हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी के अंदर हवा का गुजरना और दूसरा पानी का न रुकना, बस ये दो कारण अगर आपको समझ में आ गए तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, आप अच्छे तरीके से अपने पौधे को बचा पाओगे। तो आपको इस तरीके का पॉटिंग मिक्स तैयार करना है जिसमें से हवा जो है वो आसानी से गुजर जाए, उसमें बिल्कुल भी पानी और हवा रुके नहीं, क्रॉस होती रहे, एयरेशन अच्छा बना रहे, बस इसी बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब हम इस मिट्टी को जो इसके अंदर भरते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने होल किए हैं इसके अंदर, इसके ऊपर हम थोड़े से मोटे मोटे जो है वो बजरी के या फिर इन्हीं मिट्टी के टुकड़ों को डाल देते हैं, ईंट के टुकड़ों को, और इनको अच्छे से जो है होल के ऊपर रख देते हैं, ताकि जो मिट्टी से ये होल बंद ना हो और इनके ऊपर ये ईंट के टुकड़े आ जाएँ और बाद में फिर इनके नीचे से जो है पानी आसानी से बाहर निकल जाए। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर जो है जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसको भर लेते हैं। फिर इसके अंदर मैं आपको एक प्लांट भी लगा करके दिखाऊंगा कि आप प्लांट अगर लेकर के आएँ तो वो किस तरीके से लगाते हैं। आप इस तरीके से मिट्टी भर के उसको अच्छे से दबा लीजिए, ताकि मिट्टी अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए और उसके अंदर जितना भी पॉटिंग मिक्स आना हो वो सारा भर के उसको दबाते रहें। जब मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी तो इसके ऊपर जब हम प्लांट लगाएंगे तो ये मिट्टी बैठेगी नहीं, और प्लांट को भी जो शेप हम जिस तरीके से रखेंगे वैसा ही प्लांट जो है रखा रहेगा। दोस्तों आप जब भी नर्सरी से प्लांट लेकर के आएँ तो प्लांट को पहले इस तरीके से एक बार इसकी जो थैली होती है उसको हटा लें, और जो मिट्टी प्लांट की थैली में होती है उसी मिट्टी को उसमें रहने दें, उसको हटाएं नहीं। मैंने कई वीडियोस के अंदर देखा है कि इसको मिट्टी को हटा देते हैं, इससे क्या होता है जो प्लांट होता है वो कई दिनों से इसी मिट्टी के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है, और अचानक अगर हम ये मिट्टी हटा देंगे तो प्लांट इसके अंदर जो स्ट्रेस फील कर जाएगा और मरने के चांसेस हो जाते हैं प्लांट के। ना ही आप इन जो रूट्स हैं इनको डिस्टर्ब करोगे, आपको ना ही रूट तोड़नी है और ना ही ये मिट्टी हटानी है, आप एज इट इज इसको जो है यूं का यूं मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और ऊपर से जो आपने मिट्टी तैयार की है उसको डाल दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर पानी दे दीजिए, बस इतना सा ही करना है। आपको बिल्कुल भी इस मिट्टी को नहीं हटाना है जो पौधे के साथ आई होती है, इसको हटाने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। हमने अच्छे से जो है मिट्टी भर ली है, और अब हम इस मिट्टी को जो है अच्छे से एक बार दबा देंगे प्लांट के चारों तरफ से, ताकि जितनी मिट्टी बैठनी हो वो बैठ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। दोस्तों शुरुआत में आपको इतना पानी डालना है कि जो पानी है वो अच्छे से नीचे तक पहुँच जाए और जो हमने ड्रेनेज होल बनाए हैं उनमें से वो पानी बाहर निकल जाए, ताकि सारी मिट्टी अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाए। जिस तरीके से भी मिट्टी को जहाँ जहाँ खाली स्पेस मिलेगा मिट्टी वहाँ पर भर जाएगी और बिल्कुल पौधा आसानी से चलेगा फिर इसके अंदर।
इस तरीके से आपको फुल एक बार फुल मात्रा में पानी देना है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें पानी देने में, फुल भर के पानी दें। जब भी आप नया प्लांट लगाएं तो गमले के अंदर एक बार तो फुल पानी देना होता है आपको। देखिए दोस्तों, हमने पानी भर दिया है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ड्रेनेज हमने बनाया था वो कैसा बना है। ये देखिए आप, इसके नीचे से जो है पानी किस तरीके से निकल रहा है। आपको भी इस तरीके से ही ड्रेनेज बनाना है ताकि इसके अंदर पानी रुके नहीं। जितना पानी पौधे को ज़रूरत होगी उतना ले लेगा, एक्सेस वाटर जितना भी होगा वो बाहर निकाल देगा। ये देख सकते हैं आप कि पानी किस तरीके से बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।